एक सुनहरे दिन एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी नानी माँ रहती थी। उनके पास हमेशा हंसी और प्यार से भरी हुई आंखें रहती थी। उनका दिल बच्चों के साथ समय बिताने के लिए बहुत बड़ा था। नानी माँ का घर हमेशा बच्चों से भरा हुआ रहता था। उनके घर के आसपास हमेशा बच्चों की हंसी गूंजती होती थी। नानी माँ बच्चों के साथ खेलने में बहुत रुचि रखती थी। एक दिन गांव में एक नया बच्चा आया। नानी माँ ने उसे देखा और मुस्कुराई, आओ बच्चा, हम साथ में खेले। नया बच्चा भी बहुत हर्षित हुआ और नानी माँ के साथ खेलने के लिए तैयार हो गया। नानी माँ ने बच्चों को बुलाया और एक बड़े से बड़े खेलने का आयोजन किया। वहाँ पहुँचकर बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे। पहला खेल था संगीत का खेल। नानी माँ ने एक छोटे से ढोलक को निकाला और बच्चों को बताया कि वे गाने में इसे बजाएं। बच्चे मुस्कराए और अच्छे से संगीत बजाने लगे। नानी माँ ने भी उनके साथ मिलकर नृत्य किया और सभी को हंसी खुशी में डाल दिया। फिर आया दूसरा खेल, छुपा छुपी। नानी माँ ने बच्चों से कहा, मैं गिनूंगी और तुम छुपोगे। बच्चे खुद को छिपाने के लिए इधर उधर भागने लगे। नानी माँ बच्चों को ढूंढने के लिए हंसती हुई उनके पास जाती थी। जब उन्हें मिलते तो सबको बहुत मजा आता। आखिरी खेल था बालू के संग घेरा। नानी माँ ने सभी बच्चों को बालू के गोले बनाने के लिए कहा। बच्चे बहुत उत्साह से बालू के संग खेलने लगे। नानी माँ ने भी उनके साथ मिलकर बड़े बड़े गोले बनाए और सभी ने एक बड़े से बड़े घेरे में बैठकर मजा करना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। नानी माँ ने बच्चों को न सिर्फ खेलने के तरीके सिखाए बल्कि उन्हें प्यार और मजा में रहने का एहसास कराया। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा बच्चों के साथ प्यार और समर्थन में रहना चाहिए। बच्चों का समर्थन करना और उनके साथ समय बिताना हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ाता है और परिवार को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए आओ नानी माँ की तरह हमारे बच्चों के साथ समय बिताएं और प्यार भरा हर पल जीते। हमें एक दूसरे के साथ खेलकर, हंसकर और मिलकर अपने